बुलेटिन में सबसे पहले रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर, दुखद समाचार आपके सामने आ रहा है। अजमेर से पूर्व सांसद रासा सिंह रावत का निधन हो गया है, हृदय गति रुकने से इनका निधन हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना से संक्रमित थे रासा सिंह रावत, 5 बार अजमेर से सांसद रहे रासा सिंह रावत, कोरोना संक्रमित हुए और हृदय गति रुकने के चलते उनका निधन हुआ। दुखद समाचार प्रदेश के लिए, लगातार कोरोना का कहर राजनेताओं पर देखने को मिल रहा है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे चैनल हेड और राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी। सर, बड़ी क्षति कोरोना के चलते, एक और दिग्गज राजनेता को प्रदेश ने खो दिया है। 5 बार से अजमेर के सांसद रहे रासा सिंह रावत अब नहीं रहे। आशीष, एक तो ये हमारे यहाँ जो दुखद समाचार जा रहा है उसमें सांसद जा रहा है, नीचे जरूर पूर्व सांसद लिखा हुआ है, तो ऊपर सांसद नहीं है वो, 5 बार सांसद रहे, इस वक्त सांसद नहीं है जी, बिल्कुल। और 6 बार उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का, उसमें 1 बार वो प्रभा ठाकुर से हार गए थे मात्र 5,000 वोट से, बाकी 5 बार वो लोकसभा के सदस्य रहे और भारतीय जनता पार्टी का परचम उन्होंने वहां फहराया अजमेर में जी। सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ही साधारण आदमी थे, एक डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर थे वो जी, और डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर से अचानक उन्हें मौका मिला लोकसभा का सदस्य बनने का जी। तो वो करीब 18-20 साल सांसद रहे, लेकिन बीच में 1-2 बार लोकसभा बीच में भंगी हुई थी जी, लेकिन वो कभी भी उनको कोई घमंड नहीं छू गया था, बड़े लोगों के पैर छूते थे और सबका मान सम्मान करते थे, और हालांकि कोई बहुत बड़ा काम अजमेर में गिनाने लायक उनके नाम पर नहीं है जी, परंतु इतना जरूर है कि रासा सिंह रावत हर आदमी को उपलब्ध रहते थे और सहज भाव से जीने वाले व्यक्ति की तरह, कभी उन्होंने घमंड नहीं आया कि वो सांसद हो गए हैं या इतनी बार सांसद चुने गए हैं। सामान्य रूप से भी कोई व्यक्ति उनसे मिलना चाहता था तो मिल सकता था, और वो आर्य समाज के बड़े नेता भी थे, आर्य समाज के जबरदस्त, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती का गढ़ है, डीएवी स्कूल भी स्वामी दयानंद सरस्वती को मानने वाली एक संस्था चलाती आर्य समाज जी, उसके वो हेडमास्टर थे। और चांस की बात है कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ने का जब मौका मिला जी, तो उनके पास टेलीग्राम आया, उन दिनों वायरलेस ये टेलीग्राम होते थे, ये मोबाइल और ये सब नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं थे जी, और ईमेल भी नहीं था। मैं उस वक्त अजमेर में नवा टाइम्स का ब्यूरो चीफ हुआ करता था, तो सबसे पहले मेरे पास आए थे तार लेकर बताने के लिए कि अनिल जी ये तार सच्चा है क्या, सही है क्या जी, कि मेरे को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है जी। और मैंने उनको कंफर्म किया था क्योंकि मुझे पता था कि उनको टिकट मिलने वाला है, और चांस की बात है, ये मेरे लिए बहुत ही व्यक्तिगत क्षति इसलिए है कि मेरे बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे उनके साथ में, उनके जब वो स्कूल में हेडमास्टर थे तब से ही जी, पत्रकार था, और चांस की बात ये है कि वो चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं रहते, अचानक एक दिन मेरे मुंह से रेलवे स्टेशन पर हम क्षितिज वेदालंकार बहुत बड़े पत्रकार का स्वागत करने गए थे जी, तो मेरे मुंह से इनके हाथ में माला देख कर निकला कि 3 महीने बाद आपके लिए लोग माला लेकर खड़े होंगे स्टेशन पर स्वागत के लिए, तो हंसने लग गए कि क्यों मर से मजाक करते हो, और 3 महीने बाद इनको टिकट मिल गया। तो ये एक तरह से मेरे को भी पता नहीं कैसे पूर्वानुमान सा हुआ, जबकि ये दौड़ में कहीं नहीं थे, लेकिन अजमेर में चूंकि 2 लाख से ऊपर उस वक्त रावत वोट हुआ करते थे और इन्होंने पहले विधानसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा था भीम जाकर के, वहां वो जीत नहीं पाए थे, लेकिन रावत वोटों की वजह से और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा आधार नहीं था उस समय अजमेर में, तो उनको टिकट दिया गया, लेकिन उन्होंने सहज भाव से पूरे 5 टर्म वो सांसद रहे और लोगों के साथ निभाव किया, आए अपने जो भी विश्वविद्यालय की स्थापना लेके, महर्षि दयानंद सरस्वती को लेकर, और बहुत सारे काम उन्होंने किए, और आम आदमी को उपलब्ध रहने वाला ऐसा व्यक्ति जिसमें जरा भी घमंड नहीं है पूरी जिंदगी में, आज हमारे बीच से चला गया जी। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप नजदीक से इनको जानते हैं और राजनीति में बहुत सारे नेता हैं उनको आप गहराई से जानते हैं, जयपुर के सांसद रहे गिरधारी लाल भार्गव, उनको भी अगर देखा जाए तो जनता से जुड़ाव उनका जमीन स्तर पर रहा और इनका भी जुड़ाव ऐसा ही रहा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बिल्कुल आम आदमी की सरी की छवि थी इनकी जी, और मैं तो उनको पैदल चलते पाता था ज्यादातर, और कहना उचित नहीं होगा लेकिन वो बहुत समय तक इस बात के लिए मेरा मान सम्मान करते सार्वजनिक रूप से झुक करके, कि चूंकि उसके लिए मैंने 3 महीने पहले बता दिया था कि आपके लिए माला लेकर लोग खड़े होंगे और
सबसे पहले मेरे पास आकर ही उन्होंने टिकट अपना कंफर्मेशन कराया था तार दिखाकर, तो इसलिए वो जब भी मैं मिलता सार्वजनिक रूप से भी मेरे को बहुत झुककर वो सम्मान दिया करते थे, जिसके लिए मैं उन्हें कई बार टोकता था, मना भी करता था जी। तो मेरे साथ उनके बहुत घनिष्ठ संबंध थे। अजमेर में भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई 5 बार, एक बार जरूर वो चुनाव हारे प्रभा ठाकुर से जी। और उसके अलावा वो हमेशा जीत रहे और आज उन्हीं की बदौलत है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां अजमेर में एक तरह से गढ़ हो गया। बीच में उपचुनाव जरूर हारी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का जी। 5 बार सांसद रहे, काफी लंबे समय से अजमेर की राजनीति में सक्रिय रहे, कितनी बड़ी क्षति अजमेर के लिए भाजपा के लिए आप मानते हैं सर? देखिए वास्तव में तो वो लगभग निष्क्रिय से हो गए थे। दूसरी बात उनकी खास बात ये थी, उन्होंने गुट नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना जी। बहुत सारे गुट हैं अजमेर में बीजेपी के अंदर, अवकार सिंह लखावत का एक अलग गुट है, दूसरे लोगों का अलग गुट है, लखावत विरोधी लोगों का गुट भी है, लेकिन ये निराकार थे व्यक्ति और किसी के साथ ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, और कोई बीजेपी के अंदर कह नहीं सकता था कि राजस्थान सिंह रावत का कोई गुट है और राजस्थान सिंह रावत किसी के खिलाफ है, राजस्थान सिंह रावत किसी का पक्ष ले रहे हैं, तो ये न तो किसी के साथ खड़े होते थे न किसी के खिलाफ खड़े होते थे और सहज भाव से जो काम बन पड़ता था वो करने की कोशिश करते थे जी। लेकिन पार्टी के भीतर इनसाइड पॉलिटिक्स उन्होंने कभी नहीं की और पार्टी के बाहर भी कांग्रेस में काम आते थे वो भी वो सहज भाव से करते थे, उसमें भी कभी उन्होंने पार्टीबाजी नहीं की जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी, जिन्होंने अपने अनुभव साझा किए जो कि इनके साथ जुड़े हुए थे, काफी गहराई से इनके साथ बिताए पल उन्होंने साझा किए और आज राजा सिंह रावत हमारे बीच नहीं है, कोरोना के काल के गाल में समा गए हैं, कोरोना संक्रमित थे और उसके बाद हृदय गति रुकने से इनका निधन हुआ है। 5 बार अजमेर से सांसद रहे और आज हमारे बीच नहीं है।